जो पीछे से जाती है आगे आ जाए। जब झारखंड राज्य अलग किया जा रहा था तो शायद हमारे पूर्वजों का एक ही ख्वाहिश होगा, जिन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इस राज्य को संवारने का काम किया, इस राज्य को स्थापित करने का काम किया, उनका शायद एक ही सपना होगा कि हमारे ना रहने के बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी उसके पास कम से कम भाव भूकों का अधिकार बचेगा, जिससे वो आने वाली अपनी संभावित पीढ़ी का भरण पोषण कर सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। जब झारखंड राज्य सन 15 नवंबर 2000 को बिहार के 46% हिस्से को काट कर अलग किया गया था, तो उस समय के हमारे तत्कालीन प्रथम राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार ने एक स्टेटमेंट कहा था कि जिन परिस्थितियों के साथ और जिन साधन संसाधनों के साथ झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग हो रहा है, आने वाले 20 वर्षों में ये भारत देश का नंबर एक या नंबर दो राज्य रहेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, आज 23वें नंबर पर तो 24वें नंबर पर हमारा झारखंड राज्य मौजूद है। हमारे बाद हमसे 14 साल बाद आंध्र प्रदेश से कटकर एक तेलंगाना राज्य बनता है, हमसे 14 साल बाद हमारे राज्य की स्थापना सन 2000 को की गई थी, लेकिन हमारे राज्य के 14 वर्ष बाद आंध्र प्रदेश राज्य से कटकर एक तेलंगाना राज्य का निर्माण होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए आज पूरे भारत देश में तेलंगाना राज्य जीडीपी के मामले में नंबर दो है। इसलिए आज जिस सपनों के साथ जिन उम्मीदों के साथ इस राज्य का निर्माण किया गया था, आज वो सपना कहीं ना कहीं लाखों तक सीमित हो गया है। आप देख सकते हैं कि जितने भी स्वयं सेवक के लोग यहाँ आए हैं, वहाँ पढ़ने आई हैं, उनके माथे पर जो सिकट है, उनके चेहरे पर जो झुरियाँ हैं, ये झुरियाँ, ये थकान, ये हताशा साफ बता रही है कि राज्य की सरकारों ने, चाहे एनडीए की सरकार रहे या वर्तमान में यूपीए की सरकार रहे, केवल इनके ख्वाबों को, इनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। तो आज मैं चूंकि वर्तमान सरकार के जो राज्य के मुखिया हैं, चूंकि हमारी आवाज स्पष्ट उनके कानों तक जा रही है, और बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पहला दौर है जब आंदोलनकारियों की भाषण को माननीय मुख्यमंत्री बकायदा सुनते हैं। अरे राज्य के मुख्यमंत्री तो छोड़िए, हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार भी हमारे भाषणों को सुनते हैं, इसीलिए 60 साल से उन्होंने बिहार में भी किया। इसलिए अगर माननीय राज्य के मुखिया तक, उनके कानों तक, उनके छोटे छोटे कानों तक हमारी गंभीर आवाज जा रही है, तो उनसे अपील होगी कि आपने जिन चुनावी घोषणाओं के साथ, जिस चुनावी मैनिफेस्टो के साथ इस राज्य में अपनी सरकार बनाने का काम किया था, आज उसे अमल करने की दरकार है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिएगा, जो हाथ 2019 में एनडीए का हुआ है वही हाथ 2024 में यूपीए का होगा, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। यदि माननीय मुख्यमंत्री को आइडिया नहीं है, यदि माननीय मुख्यमंत्री को आइडिया नहीं है कि पंचायत सचिवालय के स्वयं सेवक का समाधान कैसे होगा, तो हम लोग आपको आइडिया देने के लिए हमारी टीम तैयार है। आप हमसे बैठे आपको आइडिया देंगे कि इनके लिए धन कहां से आएगा, जिससे आप इनकी समस्या का समाधान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जो बार बार दुहाई देते हैं, हम आंदोलनकारी के पुत्र हैं, स्वाभाविक सी बात है, गुरुजी ने संघर्ष किया है, हम स्वीकारते हैं। माननीय मुख्यमंत्री बार बार दुहाई देते हैं, हम भी जल जमीन जंगल बचाने वाला बेटा है, तो माननीय मुख्यमंत्री केवल आप अपने खर्चे से कटौती कर लेंगे तो मुझे लगता है स्वयं सेवक का जो सपना है, इनकी जो मांगे है वो पूरी हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री का खर्चा क्या है, उनके जितने मंत्री हैं सबको फॉर्चुनर मिला है, 8 को 10 को फॉर्चुनर उनके स्काउट के लिए मिला है, यानी 20 को फॉर्चुनर माननीय मुख्यमंत्री के साथ है। अगर 20 फॉर्चुनर एक व्यापार अगर 50 लाख लगाते हैं, तो 50 को अगर 20 से गुणा करते हैं तो 10 करोड़ का रकम आता है। माननीय मुख्यमंत्री, आप अगर अपने फॉर्चुनर के प्रति मोह त्याग देंगे, इस राज्य के बेटे बेटियों का समस्या का समाधान हो जाएगा। यही नहीं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपके कान के नीचे से, आपके पांव के नीचे से इस राज्य के आईएएस घोटाला कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सभी जानकार, सभी विभाग के दर्जनों विभाग को संभालने वाले स्वयं सेवक मौजूद हैं, भले बगल में झारखंड पुलिस है लेकिन पढ़ी लिखी है, मैं उनका भी आइडिया दे दूंगा कि किस प्रकार झारखंड सरकार चाहे तो उनकी समस्या का समाधान करेगी। जैसे कि मैं बार बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करता हूँ, जब एनडीए की सरकार थी तो हमारे स्कूलों में जो पढ़ने वाले सरकारी छात्र थे उनका ड्रेस कोड था कथा प्लस ही टाइप का, जैसे यूपीए की सरकार आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार आई, उसका ड्रेस का रंग हरा हो जाता है। बहुत किसी को लगा यार हरा है तो कोई मैटर नहीं है, लाल पहने अब हरा पहने 2-4 दिन स्कूल जाएंगे, जी नहीं, यहाँ बहुत बड़ा घोटाला है। कैसे घोटाला है मैं बाकायदा यही बोलना चाहूंगा, यहाँ 18,000 स्वयं सेवक ने मान के चले जितने लोग आए हैं, अब बताइए तो कितने लोग हरा रंग का ट्राउजर या फुल पैंट पहन के आए हैं,
लॉजिकली बात करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं। यहाँ कितने लोग हरा रंग का फुल पैंट पहन के आए हैं, यानी सीधी सी बात है, आप किस गांव से हैं, आप अपने गांव में दिमाग दौड़ा के देखिए कितने लोग हरा रंग का फुल पैंट पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, या तो ब्लैक पहनते होंगे, व्हाइट पहनते होंगे, ब्लू पहनते होंगे, या तो ब्राउन पहनते होंगे। हरा रंग प्रचलन में नहीं है, लेकिन यदि झारखंड सरकार ने ड्रेस का रंग हरा किया है, दैट मींस उन्होंने किसी मिल के मालिक से समझौता किया होगा। हो सके सीएम साहब को जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बोका वाला काम करते हैं, इनके विभाग की आयत से मुख्यमंत्री के आयस में किसी मिल के ऑनर से समझौता किया होगा, जो फैब्रिक का काम करती है, जो कपड़ा का प्रोडक्शन करती है, और उनसे 6 महीना का टाइम लिया होगा, और उन्होंने कहा होगा कि आप कोई ऐसी ड्रेस बनाए जो मार्केट में नहीं है, क्योंकि अगर आप काला कहेंगे तो मार्केट से खरीद लेंगे, आप अगर ब्लू ड्रेस का डिमांड करेंगे तो मार्केट से खरीद लेंगे, आप अगर व्हाइट ड्रेस का डिमांड करेंगे तो मार्केट से खरीद लेंगे। तो हरा रंग मार्केट में नहीं चलता है, आपको 6 महीना का टाइम दिया जाता है, आप हरा रंग की ड्रेस तैयार करें, उन्होंने कंपनी के साथ डील किया होगा, 6 महीना बाद झारखंड सरकार एक नियम बनाती है कि आज के बाद हमारे स्कूल में हरा रंग का फुल पैंट चलेगा।